अफजलगढ़ कोतवाली प्रांगण में आगामी त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नशे के सौदागरों को कड़ी चेतावनी देते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की गई। कोतवाल योगेंद्र चौधरी ने चेताया कि अगर कोई अराजक तत्व अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली अफजलगढ़ प्रांगण में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कोतवाल योगेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कोतवाली क्षेत्र में अगर कोई नशा बेचने का काम कर रहा है तो छोड़ दे, उसकी जगह जेल में होगी। नशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशा बेचने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और शांति समिति की बैठक में पहुंचे जिम्मेदार लोगों से सहयोग का आह्वान करते कहा, आगामी त्योहारों को प्रेम और आपसी भाईचारा के साथ मनाना श्रेयस्कर होता है, इससे समाज में सद्भाव और शांति कायम रहती है। कहा, अगर कोई भी अराजक तत्व अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्यवाही करेगी। कोतवाल योगेंद्र सिंह चौधरी ने शांति समिति की बैठक में उपस्थित हर गांवों से आए संभ्रांत लोगों से राय ली गई तथा मामले का निस्तारण करने का भी आश्वासन दिया। शांति समिति की बैठक में चेयरपर्सन पति जावेद विकार, भाजपा नेता सलीम अंसारी एडवोकेट ने कोतवाल योगेंद्र सिंह चौधरी को पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर चेयरपर्सन पति जावेद विकार के अलावा भाजपा नेता सलीम अंसारी एडवोकेट, एसआई मुकेश कुमार राजौरा, एसआई सोहन सिंह पुंडीर, प्रधान संघ के अध्यक्ष रमेश चौहान, राजू प्रधान, हाजी रजी, प्रधान तलविंदर सिंह, प्रधान कपिल कुमार, भाजपा नेता सुनील कुमार, प्रधान पति तसव्वुर कुरैशी, वसीम अंसारी, सभासद रियासत हुसैन, प्रधान पति रईस वकील, प्रधान कैलाश चंद्र चौधरी, सभासद मुकीब खां, कादिर अंसारी, शेख रिजवान, कॉमरेड फारूक, प्रधान विपिन कुमार, प्रधान पति वहीदुर्रहमान अंसारी, प्रधान पति गितेंद्र चौधरी, वकील अहमद, इसरार कस्सार, सभासद पुत्र इरफान, मेहर आलम एडवोकेट, पूर्व प्रधान रामनाथ सिंह चौहान, पूर्व प्रधान पति अनिल कुमार, प्रधान उमर, प्रधान पुत्र मोहसिन आदि उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट।